अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम स्लोप को फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्लोप निकालना सीखेंगे जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो उसके लिए मान लेते हैं P और Q दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है। तो इसको हम xy प्लेन पे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है L जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है और वह लाइन दो पॉइंट से पास होती है। फर्स्ट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे जो कि x एक्सिस को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार पॉइंट P से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन QR पे जो कि लाइन QR को M पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन PM है वो लाइन OR के पैरेलल है जहाँ पे O ओरिजिन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से यह एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ट्रायंगल PQM में देखें तो टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है जो कि यहाँ पर हो जाएगा QM बाय PM के इक्वल। और अब अगर हम QM को देखें तो वह इक्वल होगा QR माइनस MR के, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम फिगर से देख सकते हैं कि QR है Y2 के इक्वल और MR है Y1 के इक्वल, तो हमें QM की वैल्यू मिल जाएगी Y2 माइनस Y1। तो अब हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट P से जो कि लाइन OR को S पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और हम लेंथ PM को निकालेंगे जो कि इक्वल होगा लेंथ SR के, जिसको हम लिख सकते हैं OR माइनस OS जो कुछ इस प्रकार होगा। और हम फिगर से यह भी देख सकते हैं कि लेंथ OR जो है वो X2 के इक्वल है और लेंथ OS X1 के इक्वल है, तो PM की लेंथ हो जाएगी X2 माइनस X1। तो अब हमारे पास QM और PM दोनों की ही वैल्यू X1 Y1 और X2 Y2 की फॉर्म में आ गई है। तो जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। और हम जानते हैं किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा M इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पे थीटा हमने लिया था वो एक एक्यूट एंगल था, लेकिन अगर यही एंगल ऑब्ट्यूज हो तो क्या वो स्लोप सेम रहेगा? तो चलिए उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं जब थीटा जो है हमारे पास वो ऑब्ट्यूज होगा। इसको भी हम xy प्लेन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है L जो कि पॉइंट P और Q से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2 रिस्पेक्टिवली हैं। अब जैसे हमने एक्यूट एंगल वाले केस के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट Q से जो कि x एक्सिस को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एंड सिमिलरली हम पॉइंट P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि लाइन QR को M पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस के लिए थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से यह एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल MPQ भी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम पॉइंट M से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि वाई एक्सिस को एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब अगर हम ट्रायंगल QMP की बात करें तो इसमें एंगल MPQ 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है, जिससे थीटा की वैल्यू हमें 180 डिग्री माइनस एंगल MPQ के इक्वल मिलती है। अब अगर हम लाइन L के स्लोप की बात करें तो वह इक्वल होता है M इज इक्वल टू tan थीटा के, जिसमें थीटा इक्वल है 180 डिग्री माइनस MPQ के, तो यह हो जाएगा
tan ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल MPQ। और हम जानते हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा माइनस tan ऑफ एंगल MPQ। और हम यह भी जानते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस MQ बाय MP के। अब हम MQ को देखें तो वह इक्वल होगा QR माइनस MR के, और अगर MP को देखें तो वह इक्वल होगा PS माइनस MS के, जिसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करने पे हमें स्लोप मिलेगा माइनस ऑफ Y2 माइनस Y1 अपॉन X1 माइनस X2, जिसको रीराइट करने पे मिलेगा Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो इसके लिए भी आपने देखा कि हमें स्लोप मिल गया है Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस अगर हमें कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है जिससे लाइन पास होती है, तो उसके लिए स्लोप हो जाएगा Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि दो पॉइंट 3.1 एंड -2.4 से पास होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई लाइन दो पॉइंट x1.y1 और x2.y2 से पास होती है, तो उसके लिए स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x1 है 3, y1 है 1, x2 है -2 एंड y2 है 4। जिसको हम स्लोप के फॉर्मूले में पुट करें तो वह हो जाएगा m = 4 - 1 - 2 - 1, जिसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी -1। तो इस केस के लिए लाइन का स्लोप हो जाएगा -1।